चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। अल्मोड़ा में निर्वाचन आयोग जरूरी कार्यवाही में जुट गया है। इसके तहत ही जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। आचार संहिता लागू होते ही जिले में धारा 144 के नियम लागू कर दिए गए हैं। नियमों का अनुपालन कराने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है और जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिले में कुल 920 पोलिंग स्टेशन हैं। पोलिंग पार्टियों के लिए पर्याप्त मात्रा में मैन पावर है और जल्द ही ये कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी। अल्मोड़ा से संवाददाता नसीम अहमद की रिपोर्ट। हमारी निर्वाचन की पूरी तैयारियां हैं, जैसे कि आज हम सब लोग अवगत हैं कि लगभग 3 बजे भारत निर्वाचन आयोग ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घोषणा कर दी है निर्वाचन की। उसी के साथ साथ आदर्श आचार संहिता पूरे जनपद में और पूरे देश में प्रभावी हो गई है। जो इन्फोर्समेंट के लिए हमारे पास टीमें बनाई गई हैं, हमारी FST, SST, VST और जितनी हमारी अन्य टीमें रहती हैं, वो सभी को पूरी तरह से ट्रेनिंग किया गया है और सभी लोग पूरी तरह से तैयार हैं। धारा 144 के आदेश हम लोग निर्गत कर चुके हैं और उसका अनुपालन अब हमारे पास टीमों के द्वारा माध्यम से कराया जाएगा। साथ ही हमारी जो अनाउंसमेंट के साथ साथ 24 घंटे 48 घंटे और 72 घंटे की गाइडलाइंस होती हैं, जिनके अनुसार जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट के अंतर्गत या जो बैनर पोस्टर पॉलिटिकल पार्टी के लगाए जाते हैं उनको उतारा जाता है, उसमें भी अभी हमारी आज से ही टीमें प्रभावी रूप से कार्यवाही करना प्रारंभ कर देंगी। साथ ही हमारे जनपद में लगभग 920 पोलिंग स्टेशन है और समय समय पर हमारी पूरी कार्रवाई चलती रहेगी। इसके लिए हमारे पास पोलिंग पार्टी बनाने के लिए पर्याप्त मैन पावर भी उपलब्ध है और जो लॉजिस्टिक्स के लिए EVM और जो गाड़ी और जो अन्य पोलिंग स्टेशन की आवश्यकता होती है, सभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पूरी रूप से